नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूनिवर्सिटी में कदम रखते ही इसकी मुलाकात होगी जुर्म के बड़े बड़े प्रोफेसरों से। सारे प्रोफेसर अपने अपने मजमून में माहिर होंगे और जब तक ये भी उन जैसा माहिर नहीं हो जाता, प्रोफेसर चैन से नहीं बैठेंगे और 9 महीने के बाद जब यह जेल के गर्भ से बाहर निकलेगा तो कल्लू का दूसरा जन्म हो चुका होगा। कपड़े नहीं धोए, बर्तन कब मांजो की महारानी जी? चल चोटी कहीं की। हट। क्या किया है इसने? इसने किया चोरी, और क्या करेगी, जो कुछ तुमने इसे सिखा रखा है। नहीं माँ, मुझे बहुत भूख लगी थी, इनकी झूठी डाली से एक टुकड़ा रोटी का लिया। मैंने चोरी नहीं की माँ, मैंने चोरी नहीं की, ये झूठ कह रहे हैं। हाँ हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तेरी माँ सती सावित्री है और तेरा चाचा युधिष्ठिर की औलाद। चाचा को कुछ नहीं कह रहा, मैं चाचा को कुछ नहीं कह रहा। हट यहाँ से। मुनियो ले जा। तूने इस फूल जैसी बच्ची पर हाथ उठाया नारायण। क्या चाल है, क्या ढाल है? परखुरदार, जा कहाँ रहे हो? वहीं जा रहा है अपने पुराने दोस्त शाहनी सेठ के पास, उसका खून करने। ओ, तो खून करने के सारे सामान यहाँ मौजूद हैं। ये लो इंग्लिश पिस्तौल, और ये रहा रामपुरी चाकू, जो पसंद हो उठा लो। कल्लू, एक बात बताते जाओ, जब शाहनी सेठ मर जाएगा और तुम फांसी के तख्ते से लटकते होगे, उस वक्त तुम्हारी भाभी और मुन्नी का क्या होगा? बेटे, अपने दुश्मन को मारना है तो उसे उसी के हथियार से मारो, और शाहनी सेठ का हथियार है सोना। जल्दी कर, अंदर बैठ। आप लोग चलिए, मैं बाद में आता हूं, इस मिल से मुझे पुराना हिसाब चुकाना है। जल्दी
इंस्पेक्टर साहब, यही वो आदमी जिसने मेरी मिल में आग लगाई, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ये आग मेरी तरफ से तुम्हारे खिलाफ जंग का ऐलान है शानी सेठ। आज के बाद तुम जो कदम उठाओगे तुम्हारी मौत की तरफ उठेगा। अगर हिम्मत है तो बता दो इन पुलिस वालों को कि आज तुमने क्या खोया है और मैंने क्या पाया है। मुल्जिम कल्लू, तुम्हें शाहानी सेठ की मिल में आग लगाने के जुर्म में अदालत 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। जालिम ने बड़ी सजा सुनाई, 2 साल। जिस रास्ते पर शानी सेठ ने मुझे ढकेला है उस रास्ते पर कई और अदालतें आएंगी, कई और जेलें आएंगी। मेरे पीछे गरीबी की काली अंधेरी रात के सिवा कुछ नहीं, लेकिन मेरे सामने दौलत का सुनहरा सूरज चमक रहा है जो मुझे बुला रहा है। यूं समझ लो कल्लू से कालिया का सफर शुरू हो गया। चलिए। आप हैं कल्लू की भाभी? जी हाँ। क्या कल्लू ने फिर कोई ऐसा वैसा काम कर दिया? ऐसा वैसा नहीं, ये पूछे कैसा काम किया है। क्या किया उसने? उसने हमारी कंपनी के लिए एक ही दिन में लाखों रुपए का फायदा किया है और उसे हमने अपना चौथा पार्टनर बना लिया है। एक ही दिन में लाखों का फायदा मेरे कल्लू ने? मैं समझी नहीं। आप सिर्फ इतना ही समझिए कि हम लोग जौहरी हैं, हीरे जवाहरात सोने का काम करते हैं। आपके देवर को हमने पहली नजर में पहचान लिया था कि ये सर से पांव तक सोने का बना हुआ है। वो तो है। ये देखिए। ये सब क्या है? ये रुपए कल्लू की कमाई के हैं और ये 2 चाबियां, एक आपके नए घर की और एक नई गाड़ी की। पार्टनर बनने से पहले कल्लू की 2 शर्तें थी कि उसकी भाभी इस झोपड़े में नहीं रहेगी और चलने फिरने के लिए अपनी टांगे नहीं तोड़ेगी। तो आप एक काम करिए, अपनी नई गाड़ी में बैठकर अपना नया घर देख लीजिए। तूने कल्लू को क्या से क्या बना दिया एक ही दिन में? भगवान उसे काम में तरक्की और कमाई में बरकत देना। जिस ताली पे तुमने हाथ रखा है वो ताली मेरी है। तुम्हारी कैसे हो गई? तुम तो लाइन में भी नहीं हो। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ताली पे तुम्हारा नहीं हमारा नाम लिखा है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। नंबरदार, भर दे ताली। We'll be right back.
किस्मत अच्छी तो आज बच गया माइकल, वरना तेरी मौत तुझसे उतनी ही दूर थी जितनी ये सलाख तुझसे दूर है। कालिया सब कुछ कर सकता है, एक निहत्ते पे वार नहीं कर सकता। आपके हुक्म के मुताबिक सब कैदियों को बाहर खड़ा कर दिया गया है। आ रहा है साला जेलर। तुम्हें कैसे मालूम? अबे जेलर और कैदी का रिश्ता मियां बीवी की तरह होता है। शादी की कामयाबी के लिए एक दूसरे को जानना और पहचानना बहुत जरूरी होता है बेटे। वो चार सीढ़ियां उतरेगा और रुक जाएगा। फिर वो अपनी पतलून की जेब में हाथ डालेगा, लेकिन जो सिगार वो ढूंढ रहा है वो उसे अपनी शर्ट की बाईं जेब में मिलेगा। वो सिगार को अपने दांतों से चबाएगा और थूक देगा। अब माचिस से सिगार को जलाएगा और दिया सलाई आके गिरेगी मेरी पीठ पर। कैदी नंबर 602 हाजिर है। सर झुकाकर बात करो। ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। झुकेगा तो उसकी चौखट पे या उसके दरबार में झुकेगा। बहुत खूब, मैं ऐसे ही सरों की कदर करता हूं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम दूसरी जेलों में करते रहे हो वो मेरी जेल में ना हो। होगा तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि यह हुआ तो क्यों हुआ। मैं तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड पढ़ चुका हूं। तब तो आपको यह भी मालूम होगा जेलर साहब कि हम जिस जेल में जाते हैं वहां का जेलर या तो अपना तबादला करवा लेता है या फिर लंबी छुट्टी पे चला जाता है। लेकिन मैं उस किस्म का जेलर नहीं हूं। मैं ना तो छुट्टी पर जाऊंगा और ना तबादले की दरख्वास्त करूंगा। तुम्हारा वो रिकॉर्ड है तो हमारा भी एक रिकॉर्ड है। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में न जाए। डिसमिस। आपने खाना नहीं खाया?
आज फिर किसी कैदी ने भड़का दिया है क्या? हाँ, है एक कैदी, बहुत बददिमाग, बहुत बदतमीज, बहुत बेलगाम, जैसे कोई आवारा आंधी होती है। बस समझ लो काका, मुझे इस आंधी के मुंह में लगाम डालनी है। एक बार पहले भी तो ऐसा ही कैदी आया था, आपने उसके मुंह में लगाम तो डाल दी, लेकिन जाते हुए वो अपने सुमों के निशान जो आपके दिल पर छोड़ गया, उन्हें भूल सकते हैं क्या? नहीं भूल सकता काका, कभी नहीं भूल सकता। मेरी एक ही तो बिटिया थी, 3 साल की नन्ही सी गुड़िया, जिसे वो जालिम उठाकर ले गया। लेकिन मैं ये भी तो नहीं भूल सकता कि मैं जेलर हूं, और मेरा फर्ज है। अदालत ने उन्हें संगीन सजा दी है तो उन्हें यह बता दूं कि संगीन सजा क्या होती है, ताकि एक बार वो जेल से बाहर जाएं तो दोबारा जेल में आने का नाम न लें। सेशन कोर्ट में तुम्हारी अपील मंजूर हो गई है और मैंने तुम्हारी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है, तुम जा सकते हो। बड़ा अफसोस हो रहा होगा आपको जेलर साहब, मुझे सुधारने का वक्त नहीं मिला आपको। अब नहीं मिला तो आगे मिल जाएगा। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो कालिया, वो यहीं खत्म होता है। तुम अगली बार आओगे, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा, तब जो तालीम इस वक्त अधूरी रह गई है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है जेलर साहब, यूं समझ लीजिए कि हमारे और आपके दरमियान जो बाजी शुरू हुई थी वो थोड़ी देर के लिए रुक गई है। खेल जब फिर शुरू होगा तो मोहरे हम उसी जगह से उठाएंगे जहां इस वक्त धरे हैं। गोपाल कैसा रहा सफर? अच्छा रहा यार, लेकिन भाभी को कुछ पता तो नहीं चला? नहीं यार, भाभी तो बेचारी ये जानती है कि तुम अमेरिका गए हुए हो और अमेरिका से लौट रहे हो। ये देखो तुम्हारा सामान, इसमें भाभी के लिए साड़ियां और इसमें मुन्नी के लिए फ्रॉक और खिलौने भरे हुए। चल, न्यूयॉर्क से प्लेन आ गया माजी, सब आते ही होंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ भी तैयार नहीं है, खाने की मेज तो बिल्कुल नंगी पड़ी है। वो तो आते ही कहेगा भाभी बहुत भूख लगी है, जेब में पैसा हो तो बिलाते सब कुछ मिलता है, नहीं मिलता तो तुम्हारे हाथ का पका हुआ खाना नहीं मिलता। लो, वो तो आ भी गया। रामू जी, जल्दी से मेज तैयार करो और रात का सामान ले आओ। अच्छा जी। भाभी ठहरो भैया, पहले आरती उतारने दो। ओफो भाभी, मैं तो रोज विलायत जाता हूँ, रोज विलायत से आता हूँ, और अब की बार तो कितनी देर के लिए गया था बाहर? तुम्हें क्या मालूम कल्लू, तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारे बिना घर में दिन कितने लंबे हो जाते हैं। लो, लो। ये लो, खत्म हुई तुम्हारी आरती। ये बताओ खाने का क्या इंतजाम किया तुमने? भूखा चला आ रहा हूँ अमरीका से, भाभी वहां सब कुछ मिलता है, नहीं मिलता तो भाभी के हाथ का पका हुआ खाना। तुम्हें कितनी बार मना किया है भैया, हमारे लिए इतनी कीमती चीजें मत लाया करो, इनसे पहले ही अलमारियां भरी पड़ी है, तुम और ले आए हो। अरे तुम्हारे लिए थोड़ी ना लाता हूँ भाभी, अपने शौक के लिए लाता हूँ, जो तुम्हें पसंद हो पहन लेना, बाकी मुन्नी के दहेज के लिए रख देना। और तुम्हारी दुल्हन के लिए कुछ ना रखूं? मुन्नी तो बाद में डोली में बैठेगी, उससे पहले तो मैं तुम्हारी शादी करूंगी। उन्हें कितना चाव था तुम्हारी शादी का। खबरदार भाभी, आंख से एक भी आंसू गिरा था। पानी की सेक बूंद के लिए मैं अपना सारा खून बहा सकता हूं। ये दुख के नहीं, शुक्र के आंसू है। पर एक बात बताओ, ऐसा कौन सा पेड़ है जहां से तुम इतनी दौलत तोड़ कर लाते हो? सच बताओ भाभी, मेरे पैसे किसी पेड़ से नहीं आते, एक खान से आते हैं, सोने की खान से। जानती वो खान कहाँ है? कहाँ? मेरी भाभी के पांव के नीचे। तू कभी नहीं बदलेगा।
ये कुछ नहीं भाभी, ये तो सीधा साधा पिस्तौल है, इसका तो लाइसेंस भी है मेरे पास। ये देखो, यकीन नहीं आता था, ये रहा, बाकायदा मोहर भी लगी हुई है। अब तो विश्वास हो गया। जितना विश्वास मुझे अपने भगवान पे है, उतना ही तुझ पे। मेरी सारी दुनिया, सारी जिंदगी विश्वास के इन्हीं दो खंभों पे खड़ी है। कमाल है यार, बाहर पूर्णमासी की रात के लिए है और तुमने अंदर ऐसे अंधेरे कर रखे हैं। तुम्हें नहीं मालूम आज क्या अंधेर हो गया? क्या हुआ? एक बार तो रिवॉल्वर देखकर भाभी कांप गई और मेरे पसीने पसीने हो गए। आज तो मैंने किसी भी तरह छोटी मोटी कहानी सुनाकर भाभी को छलावा दे दिया, लेकिन सच्चाई के बाजार में झूठे सिक्के कब तक चलते रहे? समझ गया, आपको धर्म और कर्म की बीमारी हो गई है। अंतरात्मा में बैराग और त्याग की तरंगे उठ रही है। एक काम कीजिए, रात छोड़िए, राजमहल छोड़िए और हाथ में उठा लीजिए रिवॉल्वर की जगह भीख का ठीकरा। भूल जाओ तुम्हारा कोई भाई था जिसके पहले हाथ कटे फिर जान गई सिर्फ 500 रुपयों के लिए। भेज दो भाभी को किसी विधवाश्रम में, निकाल लो मुन्नी को कश्मीर के फैंसी स्कूल से, डाल दो किसी यतीम खाने में। हिंदुस्तान में यतीम खानों की कोई कमी नहीं। खबरदार जो मुन्नी को यतीम खाता, जब तक मैं जिंदा हूं मुन्नी को कोई यतीम नहीं कह सकता, समझे? मेरा गला। सॉरी वेर की बात नहीं यार, ये कार्ड देखो, ताजमहल में पार्टी है, जीतनगर की राजकुमारी आ रही है, उसके गले में एक खास हीरा है, अगर वो हीरा तुम्हारे हाथ लग जाए तो तुम्हारी जिंदगी की हर रात पूर्णमासी की रात बन जाएगी। मैं तैयार हूं शानी सेठ। जो लोग लाखों रुपए के हीरे ले जाते हैं रावत, उन पेशे का धोबी नहीं लगना चाहिए लिबास से। वो ऐसी लगा रखी है जैसे मांगी हुई हो। हम जहां जा रहे हैं रावत, वहां शहर के बड़े बड़े रईस आएंगे, पुराने राजा आएंगे, नए अमीर आएंगे। दौलत के उस मीना बाजार में तुम्हारे जैसे ठग भी आएंगे और सबकी नजर उस हीरे पे होगी, मगर आज हमेशा के लिए वो हीरा मेरा, सिर्फ मेरा बन जाएगा।